दोस्तों अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की टीम श्रीलंका को टी20 सीरीज में हरा चुकी है और श्रीलंका को टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच के खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को लेकर बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला बयान दिया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को लेकर क्या बयान दिए। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतरीन कप्तान, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली। इसके पहले मुकाबले में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारतीय टीम को 62 रन से जीत मिली, तो वहीं दूसरे मुकाबले में धर्मशाला के स्टेडियम में भारतीय टीम 7 विकेट से जीत गई और सीरीज के अंतिम मुकाबले को भारतीय टीम ने धर्मशाला के स्टेडियम में 6 विकेट से जीत लिया, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी की और श्रीलंका के बल्लेबाजों को शुरुआती विकेट देकर परेशान किया। लेकिन अंत में विपक्षी टीम के कप्तान की एक तरफा तेज तर्रार अर्धशतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका की टीम 146 रन बना पाई और भारतीय टीम को 147 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करने के लिए भारतीय टीम उतरी। तो शुरुआत में भारतीय टीम के कप्तान जल्द आउट हो गए और एक तरफ से श्रेयस अय्यर ने तेज तर्रार बेहतरीन प्रदर्शन किया और अर्धशतक जड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे और अंत में रविंद्र जडेजा के साथ पार्टनरशिप करके मुकाबले को खत्म कर दिया और मुकाबले को 19 गेंदों पहले ही अपने नाम कर लिया। जिसके बाद रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को लेकर एक बयान दिया है और बयान देते हुए कहा है कि मेरे लिए रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका सदैव ही भारतीय टीम में कद ऊंचा रहा है और उनका कभी भी सम्मान भारतीय क्रिकेट जगत में कम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने तो भारतीय टीम को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां शायद दुनिया का कोई भी कप्तान लाकर नहीं खड़ा कर सकता, और दुनिया का सबसे बेस्ट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है और उनके सामने किसी भी टीम की नहीं चलती और जब वो सोचते हैं तो विपक्षी टीम परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये खिलाड़ी अपने मन में क्या प्लानिंग कर रहा है और उस प्लानिंग का असर उसकी टीम पर कैसे पड़ेगा। साथ ही साथ रोहित शर्मा भी एक बेहतरीन कप्तान है जो इस सीरीज में देखने को मिले, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान जब से रोहित शर्मा बने हैं तब से भारतीय टीम लगातार मुकाबले जीतती जा रही है और एक एक करके प्रत्येक टीम को क्लीन स्वीप और सीरीज में हराती हुई जा रही है, और ऐसे में रोहित शर्मा ही भारतीय क्रिकेट को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आने वाले विश्व कप 2022 में भारतीय टीम को जिताएंगे। और रविंद्र जडेजा ने साथ साथ ये भी कहा है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेटरों में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा से बहुत कुछ सीखा है और उनसे हमेशा सलाह लेते रहे हैं कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी में वो किस तरीके से सुधार कर सके और विपक्षी बल्लेबाजों और गेंदबाजों को निशाना कैसे बना सके। और उन्होंने अंत में जाते जाते ये भी कहा है कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में से दोनों से ही कुछ न कुछ सीखा है। दोस्तों रविंद्र जडेजा आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की तरह चर्चित हो जाएंगे या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।